Hey boss, कौन है गाइस, रोज़े बाटी हेयर। कैसे हो आप सब लोग। एंड आज की वीडियो में मैं शोकेस कर रहा हूँ एक्सट्रीम गोकुआ हाइब्रिड किलर का शोकेस। एंड मैं इसे यूज कर रहा हूँ साका फ्रॉम मूवीज के टीम में। एंड यहाँ पे हमारा अपोनेंट यूज कर रहा है ज़ेनकाइस की टीम। और भाई साहब, पहले ही ब्लास्ट में मैंने लगा दिया इसे ब्लू कार्ड एंड भाई डैमेज देते हुए इसको। तो अभी ये मेरा 3 स्टार पे है एंड मैं इसको जीपा लगा के डेफिनेटली मैं इसको 6 स्टार करूंगा। एंड इसके स्टैट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इस यूनिट के, ट्रांसफॉर्मिंग से पहले भी एंड देन उसके बाद भी। एंड 6 स्टार डेफिनेटली यार मैं इसे करूँगा, वर्थ इट है ये यूनिट। अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छी यूनिट है, तो आप इसे यूज़ करो। एंड मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ पर्पल बोजैक, जिसके पास से कवर चेंज एंड साथ में ट्रांसफॉर्मिंग बोजैक। एंड इसने कर लिया है गोहान पे स्विच। एंड यहाँ पे हम कॉम्बो बनाते हुए अभी अटैक दे रहे हैं इसको। मैंने कर लिया है गोकुआ पे स्विच एंड भाई साहब ट्रांसफॉर्म हो गया है ये। एंड अब जाने वाला है इसे डैमेज। एंड यहाँ इसने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज़ कर लिया है एंड आई थिंक इसने गलती की, बिकॉज ये जो इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, अगर मैं रश लगाता आगे तो ये सेव कर सकता था अपने यूनिट को। तो आई थिंक ये इसलिए यूज़ करना चाहिए आपको, अगर आप ये गोकू यूज़ करते हो अपनी टीम में तो आप इसका इंस्टेंट ट्रांसमिशन तभी यूज़ करो जब अपोनेंट सामने वाला रश यूज़ कर रहा हो। एंड भाई यहाँ पे मैं बच गया हूँ फिर से एंड इस पर अटैक चालू मारते हैं। एंड भाई अब गोकू कमाल करेगा अपना, डैमेज पर डैमेज जा रहे थे एंड बहुत ही बढ़िया डैमेज है। ट्रिपल ज़ेनकाई की टीम यूज़ कर रही है और बहुत ही बढ़िया मैच जा रहा है हमारा। एंड एक यूनिट इसकी बाहर और 2 यूनिट बची है। एंड यहाँ मैं लाता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग बुजैक को। एंड मैं सोचा था यहाँ पे ब्लू कार्ड लगाता हूँ इससे लग जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफॉर्म होने से पहले ये मर गया, बट कोई नहीं, अभी होप है, गोकुआ है हमारे साथ जब तक। एंड मैं पर्पल बुजैक को करता हूँ स्विच। एंड यहाँ पे वेट करते हुए मैंने ब्लू कार्ड लगाया बट मिस हो जाता है। एंड ये अपना अल्टीमेट लगाने की कोशिश करता है बट मैं बच जाता हूँ। एंड यहाँ एकदम से पाइप होने के बाद मैंने लगा दिया ग्रीन कार्ड। एंड ये फंस चुका था एनिमेशन में एंड मैंने अटैक करना चालू एंड पाद उठाया मैंने एंड रश कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ स्ट्राइक कार्ड, बिकॉज मुझे लगा था अगर मैं येलो कार्ड लूँगा तो ये गैस कर सकता है। एंड यहाँ पे भाई ये मरते हुए एंड बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है, स्पेशली ये हाइब्रिड्स के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड यहाँ ये गया एंड अब सिर्फ इसकी एक यूनिट बची है, अकेला गोहान। तो ये गोहान बहुत ही बढ़िया यूनिट है, अभी भी लास्ट स्टैंडिंग यूनिट है एंड इससे अभी मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। हालांकि गोकुआ है अपने पास पर फिर भी। एंड यहाँ भाई जैसा मुझे लगा था ये रश कर सकते हैं एंड इसने फायदा उठाया मौके का एंड मैंने स्ट्राइक चूज़ किया। देखते हैं, कोशिश करूँगा पूरी में गैस करने की इसको। एंड यहाँ पर गैस हो चुका है एंड हमारा लक अच्छा था, गोकुआ बच गया क्योंकि ये शोकेस की यूनिट थी। एंड यहाँ पे मैं फिर बचते हुए एंड टाइमिंग से इसको एनिमेशन लग गया एंड भाई ये मरते हुए यहाँ पे। एंड फर्स्ट मैच की हमारी विक्ट्री यहाँ पे, जीजी टू हिम। तो गाइस सेकंड मैच है वीडियो का, ये बंदा भी यूज़ कर रहा है ज़ेनकाई एंड हाइब्रिड की टीम यूज़ कर रहा है ये। तो देखते हैं क्या यूनिट लेता है ये, तो मेरा वही पिछले टीम वाला सेटअप है। एंड ये यूज़ कर रहा है फ्यूचर गोहान, रिवाइवल गोहान एंड ज़ेनकाई गोहान, टॉक्सिक टीम का सेटअप है बहुत। एंड ये गोकुआ बहुत ही बढ़िया है, अगर हाइब्रिड्स के खिलाफ आप बहुत अच्छे से यूज़ करते हो उसके टाइमिंग से बहुत ही बढ़िया डैमेज देगा ये। एंड भाई इसने कवर चेंज ब्लास्ट पे एंड मैंने यहाँ पे कर लिया है स्विच रेड बोजैक पे। एंड ये डैमेज देते हुए, इतना कुछ खास डैमेज नहीं है, हम एडवांटेज में हैं। तो मैं अब सिर्फ वेट करने वाला हूँ, सोच समझ के खेलने वाला हूँ क्या करेगा। एंड यहाँ पे भाई इसको ब्लू कार्ड मिस होते हुए एंड यहाँ मैं इसे पेशेंटली जज कर रहा हूँ यार कैसे खेल रहा है एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नेक्स्ट मूव करूँगा। एंड यहाँ मैंने पकड़ लिया इसको एंड अटैक देना चालू मारते हैं एंड स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक एंड देन ब्लास्ट। एंड देन यहाँ पे मैं अवेकनिंग कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, इस कार्ड की वजह से यह ट्रांसफॉर्म होता है एंड ये डैमेज काफ़ी देता है। एंड ये पहली यूनिट है ट्रांसफॉर्मिंग की जो कार्ड से इतना डैमेज देती है। एंड एक्सट्रीम गोकुआ भी पहला एक्सट्रीम यूनिट है जो ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। बट आई थिंक अगर ये स्पार्किंग होता तो शायद और ज़्यादा डैमेज देता, बट फिर भी कोई नहीं, आई डोंट नो, जो भी लेजेंड्स ने किया है ये इसे एक्सट्रीम बनाकर फिर भी सही किया है, इसे ट्रांसफॉर्मिंग दिया है एटलीस्ट। बट मेरे ख्याल से स्पार्किंग होता तो सही होता, बट मे बी इन्होंने एक्सट्रीम यूनिट में एक तरह से कुछ चेंजेस लाने के लिए इसे शायद एक्सट्रीम बना दिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग दे दिया। बहुत ही सही है, आई थिंक ये नॉर्मली होता अगर बेस में तो ये गोकुआ इतना कुछ खास नहीं करवाता,
ट्रांसफॉर्मिंग है तो बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे भाई इसको अटैक पे अटैक कॉम्बोज से बनाते हुए एंड यहाँ हील कर लिया। एंड यहाँ पर मैं वेट करूँगा, फिर ये फंसते हुए मेरे स्ट्राइक कार्ड पे। एंड मैंने कर लिया ऐसे ट्रांसफॉर्म एंड एक्सटेंड करेंगे हम अपना कॉम्बो। एंड भाई इसकी पहली लाइफ तो गई, बहुत ही बढ़िया। एंड गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो आप लोग, आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज आती रहेंगी। एंड और किसी चीज़ का आपको शोकेस चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करना, अगर मेरे पास यूनिट होगा तो डेफिनेटली शोकेस ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे टैप होते हुए देखते हैं कौन जीतता है। एंड यहाँ पे हम लोगों को विक्ट्री मिल चुकी है एंड इस पर अटैक चालू मारते हैं हम लोग। एंड जिसकी एक यूनिट तो गई एंड दो यूनिट बची है इसकी। एंड यहाँ मैंने मौका पाते ही रश लगा दिया बिकॉज मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड भाई गोकुआ ख़त्म करते हुए ऐसे तो लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये मेरा, तो 3 स्टार पे अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। तो 6 स्टार या उससे हायर होगा तो आई डोंट नो ये क्या कमाल करेगा, खासकर 14 स्टार पे किसी ने अगर कर रखा हो तो भाई डिस्ट्रक्शन कर देगा ये, खासकर हाइब्रिड के खिलाफ। नॉर्मली भी अच्छा है ये नॉर्मल यूनिट्स के खिलाफ, बट स्पेशली हाइब्रिड का किलर है ये एंड हाइब्रिड को बहुत ज़्यादा डैमेज देता है ये स्पेसिफिकली। एंड यहाँ पर भाई हमले से बचते हुए एंड फिर से पकड़ते हुए हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको, एंड भाई इसको डैमेज लगते हुए एंड ये बच गया एंड इसने पकड़ लिया हमें वापस। एंड ये कोशिश तो अच्छी कर रहा था बट मैंने यहाँ कवर चेंज कर लिया है। एंड ये बचाएगा वो भी बहुत ही अनोइंग है एंड इसको अभी तक जेनकाई नहीं मिला, बिना जेनकाई के अभी तक इतना टिका हुआ है ये, तो आई थिंक अगर इसको जेनकाई दिया जाए तो कितना अच्छा ही बन जाएगा ये यूनिट। सो मेरा तो ये 8 स्टार पे ये पर्पल बोजैक, सो मेरा फ्यूचर जेनकाई रेडी है जब भी ये लोग जेनकाई करने की सोचेंगे इसे। एंड यहाँ पे भाई गोहान का लगते हुए हमला एंड बेचारा गोकुआ मर जाता है, लेकिन कोई नहीं मेरे पास 2 यूनिट अभी भी बाकी है तो ये विक्ट्री तो हमारी है। एंड रस्ते हम बचते हुए, गलत टाइम पे इसने लगाया एंड यहाँ पे ब्लू कार्ड मैंने लगाया एंड डिसएडवांटेज पे थे इसलिए ये बच गया, अदरवाइज ये पूरा ही ले जाता इसे। एंड आप लोग टाइमर देख सकते हो 98 पहुंच गया है एंड फिर से टैप होते हुए एंड इसने इस बार विक्ट्री ले ली। तो बंदा एंड में भाई कोशिश कर रहा है कुछ टिकने की, एंड इसने थोड़ा हमला शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं ग्रीन कार्ड लगाते हुए रेड बोजैक से बिकॉज मैं देखना चाहता था इस बोजैक की विन स्क्रीन। एंड यहाँ पे GG टू हिम एंड सेकेंड मैच की विक्ट्री हमें। एंड गाइस लास्ट मैच है थर्ड वीडियो का एंड बंदा यूज़ कर रहा है फ्यूचर की टीम एंड इस बार मैं जांग्या यूज़ कर रहा हूँ जो आप देख सकते हो मैंने पर्पल बजैक की जगह इसे ले लिया है। एंड ये जांग्या देती है डेथ बफ अपने एलाइज को एंड मेरे पास नई वाली नहीं है इसलिए मैं ये वाली डाल रहा हूँ। तो एक तरह से सिर्फ मुझे टेस्ट करना था यार ये यूनिट है कैसी, मैंने कभी ये एक्सट्रीम जांग्या को यूज़ नहीं किया है। एंड देखने वाला हूँ इस बार मैं कि जब भी ये कैरेक्टर मरती है तो अपने एलाइज को कैसा बफ देती है ये। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा डैमेज दिया इसके ब्लैक ने हमें एंड मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया है क्योंकि ये ब्लैक जो है ये मुसीबत साबित हो सकता है अगर मैंने इसको अंडर एस्टिमेट किया तो। एंड ये हमें डैमेज देते हुए एंड अभी तक इसने ट्रांसफॉर्म भी नहीं किया है एंड अब किसने ट्रांसफॉर्म कर लिया है मेरे बोलते ही। एंड भाई यहाँ पर हम लोग बचते हुए इससे एंड कॉम्बोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है हमारी। एंड यहाँ पर हमले पे हमला एंड यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड यूज किया एंड ट्रांसफॉर्मेशन इसका हमें देखने को मिलेगा अब। एंड भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से एंड ये ऑलमोस्ट इसको खा गया था। एंड ये बोजैक सिर्फ 3 स्टार पे, आई थिंक थोड़ा और हायर स्टार पे तो बहुत ही बढ़िया डैमेज देता है। एंड आ गई है भाई जांग्या एंड डैमेज देखते हैं इसका, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही है। ऑल राइट मैंने कर लिया मैंने एबिलिटी पे क्लिक एंड यहाँ पे ब्लू कार्ड लगाते हुए एंड भाई साहब लगते हुए इसको एंड ये तो खत्म।
एंड भाई ब्लैक लेके आ गया, ये मैं बच चुका हूँ। एंड ग्रीन कार्ड यहाँ पे लगाया, इसका जो ग्रीन कार्ड है अपोनेंट को पुश करता है। एंड जैसे कि आपने देखा मैं डिसएडवांटेज पे था, सो जब भी आप डिसएडवांटेज पे हो और आपके पास ये गोकुआ है तो आप ग्रीन कार्ड टाइमिंग से यूज़ कर सकते हो, ताकि आप डिसएडवांटेज पे हो तो उसे आप एक तरीके से टेम्प्ररी टाइम के लिए आप हटा सकते हो उसे, जैसे कि मैंने किया अभी यहाँ पे। एंड यहाँ पे जांगिया को जानबूझ के मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है एंड बच गई है ये, इतना कुछ खास हमला नहीं था। बट आप आगे देखने वाले हो इस जांगिया पर रश लगेगा एंड ये सब मैं जानबूझ के होने देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये जांगिया जब मरती है तो डेथ बफ देती है एलाइस को, एंड वही मैं देखना चाहता था। एंड यहाँ मैं जानबूझ के सीधे से नहीं खेल रहा हूँ, बिकॉज इसे सेक्रीफाइस करना है हमें। तो चुनने के लिए मैं स्ट्राइक कार्ड एक चुन लेता हूँ एंड यहाँ हमला होते हुए इस पर, एंड अनफॉर्चुनेटली ये बच गई है, बट मैं हमला नहीं करूँगा इस पर। एंड यहाँ जानबूझ के आगे चला गया हूँ भाई इसके, ताकि ये इसे किल करे। एंड जैसे ये जंगे मरती है ये अपोनेंट की स्विचिंग आई थिंक रोक लेती है 5 टाइमर काउंट के लिए, एंड ये बफ भी देती है अपने एलाइस को डेथ का, एंड बहुत ही सही चीज़ है। एंड यहाँ पे ये फंस नहीं पाया मेरे चाल में एंड इसलिए मैंने रेड बुजैक पे स्विच कर दिया है। एंड यहाँ पे मेल एबिलिटी यूज़ करते हुए एंड यहाँ पे भाई इस पे हमला होते हुए, एंड यहाँ मैं थोड़ा वेट कर रहा था बिकॉज मैं सोचा था कि गोकुआ से ख़त्म करूँगा दोनों को एंड विन स्क्रीन देखूँगा इसकी, इसलिए मैं थोड़ा पेशेंटली खेल रहा था, अदरवाइज मैं ख़त्म कर सकता था इसे जल्दी। तो यहाँ पे गोकुआ आ चुका है एंड भाई इसने बचा लिया रोज को, एंड भाई ट्रंक्स माई मरे एंड इसका अकेला रोज बचा है एंड यहाँ पे टैप हो रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली यार हम लोग नहीं कर पाए यहाँ पे, एंड गोकुआ बेचारा मर गया, बट चलो कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया मैच था ये एंड जीजी टू हिम एंड यहाँ पे विक्ट्री हमें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय गाइस, स्टे सेफ, पीस।